हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वन वेलकम टू शिक्षा गाइस विद दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सब्जेक्ट एंड दैट इज इंश्योरेंस यूपीएससी के दो पेपर होने हैं अपने एक तो एओ का और एक एपीएफसी का दैट इज असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर तो एओयू में तो इंश्योरेंस का टॉपिक है नहीं तो ये वाला लेक्चर जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ एओयो का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो यहाँ से बाहर हो जाए ठीक है टाइम क्यों खराब करना है ना नॉलेज तो अपन पेपर क्लियर करने के बाद आराम से लेते रहेंगे तो ए का पेपर जो दे रहे हैं सिर्फ या कोई ऐसा एग्जाम नहीं दे रहे जिसमें इंश्योरेंस टॉपिक है तो वो इस लेक्चर को देखने की उनको जरूरत नहीं है एपीएफसी के बच्चों के लिए ये लेक्चर्स इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि इंश्योरेंस उनके सिलेबस के अंदर है बहुत ज्यादा हालांकि क्वेश्चन इसमें से आने के चांसेस नहीं होते हैं बट फिर भी इसको हम कवर करेंगे बहुत ज्यादा लंबा इसको नहीं खींचेंगे काफी ब्रीफली हम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे इंश्योरेंस के विल बी द फर्स्ट लेक्चर पीडीएफ लिंक है डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ तो का जिन्होंने लिया हुआ जस्ट नाइन रुपीज का सब्सक्रिप्शन है वो डी एफ फाइल भी आपको अवेलेबल हो जाएगा यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द वेबसाइट द सब्सक्रिप्शन ओके सो लेक्चर वन हम स्टार्ट करेंगे एंड uh, यहाँ पर जो आइडिया है मैं पहले ही क्लियर कर दू आईडिया इज नॉट टू मेक यू एंड इंश्योरेंस एजेंट ठीक है ना ही आपको किसी इंश्योरेंस कंपनी का मैनेजर बनना है आपको बेसिकली एक एग्जाम क्लियर करना है जिसके अंदर मोटा मोटा इंश्योरेंस के टॉपिक को समझना है ठीक है तो बहुत ज्यादा अपनी क्यूरियोसिटी uh, को कंट्रोल में करके रखिएगा और जितना पढ़ाया जाए उतना कर लीजिएगा सफिशियंट रहेगा ठीक है लेक्चर वन शुरू करेंगे और आज के लेक्चर का जो एजेंडा रहेगा वो रहेगा रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया तो रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस अभी मैं कोर कंसेप्ट नहीं जा रहा हूँ लेक्चर के अंदर मैं थोड़ा सा इंडिया का इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में पढ़ूंगा ठीक है बहुत ज्यादा इसके अंदर हमसे कंसेप्चुअल चीजों के अंदर नहीं जा रहे हैं एक इंडिया का ओवरव्यू लेंगे इंश्योरेंस का क्या ग्रोथ रहा तो प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस में इसको डिवाइड करेंगे दो फेजेस में प्री इंडिपेंडेंस रेगुलेशन पहले देखते हैं यानी कि ब्रिटिशर्स के अंदर बेसिकली तो देखो इंश्योरेंस तो इंडिया के अंदर एशियंट टाइम से इंश्योरेंस सिस्टम आप कह सकते हो चला आ रहा है क्योंकि इंडिया के अंदर इंश्योरेंस क्या होता था ज्वाइंट फैमिली सिस्टम आज भी आप देखते हो हिंदुस्तान में लोग कहते हैं यार बेटा होना चाहिए घर में ठीक है बेटे की बहुत ज्यादा लालसा होती है मेल चाइल्ड की बहुत ज्यादा लालसा होती है हिंदुस्तान के घरों में अभी भी इवन इन द एजुकेटेड फैमिलीज उनको चाहिए यार लड़का हो जाए लड़का क्यों हो जाए लड़का होता था सोशल इंश्योरेंस ठीक है कि भैया जब माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तो ये हमको संभालेगा सोशल इंश्योरेंस होता था कि भाई लड़की तो शादी करके चली जाएगी वो सब एक साथ रह रहे हैं अगर एक को कोई दिक्कत आ गई तो बाकी दो भाई जॉइंट फैमिली सिस्टम इंडिया में इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है क्योंकि इट एक्टेड एज सिस्टम ऑफ सोशल इंश्योरेंस लेकिन अगर हम मॉडर्न डे इंश्योरेंस की बात करते हैं मॉडर्न डे इंश्योरेंस जैसे आप लोग डेली की लाइफ में अपनी देखते हो आप अपनी बाइक गाड़ी अपनी लाइफ अपना घर अपना फैक्ट्री हर चीज को इंश्योर कराते हो उसके लिए आप क्या कहते हो आप इंश्योरेंस प्रीमियम देते हो ठीक है आप प्रीमियम देते हो और अगर कल को कुछ नुकसान हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी भरपाई करेगी मोटी मोटी भाषा में मॉडर्न इंश्योरेंस यही है तो इस मॉडर्न इंश्योरेंस की शुरुआत हुई थी 1818 में इंग्लैंड से ठीक है 1818 में इंग्लैंड से इसकी शुरुआत हुई थी और हिंदुस्तान में सबसे पहले ओरिएंटल लाइफ

ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बाद और बहुत सी इंश्योरेंस कंपनीज आई अगले पचास सालों में लेकिन ये सारी की सारी कंपनीज कंपनी काटर कर रही थी टू द नीड्स ऑफ यूरोपियन कम्युनिटी इनका ध्यान सारे का सारा यूरोपियन कम्युनिटी के ऊपर था जैसे ओके okay, तो यूरोपियन कम्युनिटी के ऊपर एजेंडा था इंडियन लाइफ को तो ये इन्फीरियर समझते थे और इसीलिए इसको इंश्योर नहीं करते थे इनको इसको क्या इंश्योर करना इनकी जिंदगी को क्या इंश्योर करना बेटा जो एक मूवी आई थी ना आर आर आर, आर एक मूवी आई थी शायद देखियो ऑस्कर भी जीता अभी एक सॉन्ग ने है ना आर 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 मूवी में क्या दिखाता है वो वो कहता है कि ब्रिटिशर अपने सिपाही को ऑर्डर देता है कि किल देम तो गोली चलाने लगता है बोलता है गोली क्यों मार रहे हो इनको गोली क्यों वेस्ट कर रहे हो इनके ऊपर कि तुझे पता है एक गोली की कीमत क्या है और तू एक हिंदुस्तानी की जिंदगी पे इस गोली को वेस्ट कर रहा है तो बेसिकली वो अपनी बनाई हुई बुलेट को ज्यादा कीमती समझते थे एक हिंदुस्तानी की जिंदगी से तो वो चीज थी तो इंश्योरेंस कंपनीज कहती इनको क्या इंश्योर करना इनकी लाइफ को इंश्योर करके क्या मिल जाएगा ठीक है और जो नेटिव्स कुछ रिच नेटिव्स थे जो अफोर्ड कर सकते थे उनको वो इंश्योर करते भी थे तो बहुत हाई प्रीमियम चार्ज करते थे पंद्रह पंद्रह बीस बीस परसेंट हाई प्रीमियम चार्ज करते थे एडिशनल प्रीमियम एज कंपेयर टू यूरोपियन कम्युनिटी तो इंडिया के अंदर ये, शुरू में जो इंश्योरेंस डेवलप हुआ वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए हुआ <coughs> पहली इंडियन कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर में जो आई वो 1870 में आई एंड दैट वाज योर बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी ये अब हिंदुस्तानी लोग जागने शुरू हो गए रिवोल्ट ऑफ 1857 ऑलरेडी हो चुका है कांग्रेस बनने वाली है हिंदुस्तान के लोग जागना शुरू हो गए हैं स्पेशली जो मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास लोग थे तो उन उनमें से ही कुछ लोगों ने भी बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी बना दिया पहली हिंदुस्तानी कंपनी और ये अब शुरू करेगी हिंदुस्तानी लोगों को इंश्योरेंस देना साथ ही साथ सरकार ने भी एक एक्ट लिया इंश्योरेंस एक्ट अट्ठारह में और इस एक्ट के बाद और बहुत सी कंपनियां जो है वो इंश्योरेंस कंपनियां इंडिया के अंदर आने लगी पॉलिटिकल मूवमेंट्स इंडिया के अंदर शुरू हो गई थी कांग्रेस आ चुकी थी 1905 में स्वदेशी मूवमेंट आ गया फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आ गया फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आ गया इन सारे मूवमेंट्स के अंदर बिजनेस सेक्टर तो इंडिया का ग्रो कर ही रहा था इंडियन बिजनेस ऊपर उठ करके आ रहे थे और यहां पर हिंदुस्तानी कंपनियां इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर भी और ज्यादा एंटर करने लगी उसके बाद 1912 के अंदर एक एक्ट लेकर के आई ब्रिटिश सरकार जिसका नाम था लाइफ इंश्योरेंस एक्ट ऑफ नाइनटीन फर्दर इस एक्ट की वजह से नंबर ऑफ कंपनीज नंबर ऑफ पॉलिसीज वर टेकन आउट देन में दोबारा एक एक्ट लेकर के आया गया अब इस एक्ट के ऊपर कंट्रोल स्टैब्लिश किया जाएगा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है सारा प्राइवेट कंपनीज है तो एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल यहां पर अब सरकार रखने की कोशिश करेगी लाइफ और जनरल इंश्योरेंस पे ठीक है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट हर तरह की चीजों के ऊपर अब सरकार कंट्रोल करेगी और सरकार ने एक ऑफिस भी क्रिएट किया जिसको बोला गया कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस और इस कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस को बहुत वाइड पावर्स जो है वो दी गई क्योंकि ज्यादातर जो इंश्योरेंस कंपनीज थी वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर थी ठीक है ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर थी इसी वजह से ऑफिस ऑफ कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस क्रिएट किया गया उसके बाद 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद

लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने हमेशा इंश्योरेंस प्लस एंडोमेंट का सिस्टम यूज किया इंश्योरेंस प्लस एंडोमेंट क्या होता है अब आपने अगर घर में कभी एल की पॉलिसी आपके किसी ने ली हुई हो या आपने खुद कभी कोई पॉलिसी ली हो तो एल पॉलिसी के अंदर क्या होता है आप एक पॉलिसी लेते हो ठीक है फॉर एग्जांपल आप एक 10 साल की पॉलिसी लेते हो उसमें एल क्या बोलता है कि भाई तुम्हें 10 साल तक प्रीमियम पे करना है ठीक है प्रीमियम पे करने के बाद मतलब ऐसा नहीं है एक तो होता है ना जैसे आपकी बाइक की आप इंश्योरेंस लेते हो आप प्रीमियम पे कर देते हो एक साल के लिए उसके बाद एक साल बाद आपको वो प्रीमियम का पैसा वापस थोड़ी मिलता है वो खत्म हो गया ठीक है वो आपको वापस नहीं मिलता इश्योरेंस प्लस एंडोमेंट में क्या होता है ये जो प्रीमियम आप दे रहे हो ना एल को ये आपकी इन्वेस्टमेंट है एल कहता है कि ठीक है भाई तूने पॉलिसी ली है कि अगर तुझे कुछ हो गया फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी लाइफ पॉलिसी ली है कि अगर मुझे कुछ हो गया मेरे घर वालों को पैसे दे देना वो बात तेरी ठीक है बट दस साल बाद अगर तुझे कुछ नहीं हुआ तो ये जो तेरी प्रीमियम है ना इसको हम इन्वेस्ट करेंगे और इसके ऊपर तेरे को इंटरेस्ट भी देंगे ताकि जितने तू आज इन्वेस्ट कर रहा है दस साल बाद तुझे इससे ज्यादा मिले तो ये होता है एश्योरेंस प्लस एंडोमेंट प्लान ठीक है तो बेसिकली ये एक तरह का सेविंग मैकेनिज्म बन गया

डेवलपमेंट के लिए तो सरकार का भी फायदा हो गया उसको पैसा मिल गया लोगों का भी फायदा हो गया उनको इन्वेस्टमेंट का जरिया मिल गया लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के बाद जीआईसी को भी जो जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस था उसको भी नेशनलाइज कर दिया गया 1972 में और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को बनाया गया जीआईसी जिसको आप बोलते हो ठीक है जैसे एल तो देखो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जीआईसी

इंश्योरेंस जीआईसी की सब्सिडेरीज करती हैं और ये से लेती हैं. का क्या होता है, example, मैं हूं A, ये है एक B, और यह सब्सिडेरी जी आई सी से री इंश्योरेंस का इस बी से इंश्योरेंस लिया सौ रुपए का अब ये बी जो है ये सी के पास जाकर के जो मैंने इंश्योरेंस लिया है इसको री इंश्योर करवा लेगा यानी कि अगर मेरा नुकसान हो गया तो मैं बी से रिकवर करूंगा और बी का नुकसान हो गया तो बी सी से रिकवर कर लेगा मैं प्रीमियम बी को दूंगा बी प्रीमियम सी को देगा तो यह रीश्योरेंस का मैकेनिज्म होता है नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर आजाद हिंदुस्तान में एक कमेटी भी बनाई गई मल्होत्रा कमेटी ये मल्होत्रा कमेटी 1993 में बनाई गई थी आर एन मल्होत्रा के अंदर बेसिकली इंडिया के अंदर देखा गया कि यार इंश्योरेंस पेनिट्रेशन काफी लो है तो ये उस इशू को स्टडी करने के लिए इस कमेटी को बनाया गया था और इस कमेटी ने बहुत से रिकमेंडेशंस दिए तो क्या कंडीशन थे वो बड़ा ब्रीफली देखना क्वेश्चन में नहीं पूछेगा वो फिर भी एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग जरूरी है सबसे पहले तो इसने बोला कि एल और जी में सरकार का स्टेक कम करो पचास से कम स्टेक होना चाहिए ठीक है प्राइवेट कंपनी को अगर आप एंट्री देना चाहते हो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर तो उनका कम से कम सौ करोड़ का पेड अप कैपिटल होना चाहिए कोई भी प्राइवेट कंपनी दोनों लाइफ या जनरल इंश्योरेंस में नहीं आ सकती या तो आप लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट बनो या जनरल इंश्योरेंस का फॉरेन कंपनीज को सिर्फ आप तब एंटर करने को अलाउ करोगे जब वो किसी इंडियन बिजनेस कंपनी के साथ पार्टनरशिप में आ रहे हैं अकेले किसी फॉरेन कंपनी को आप इंश्योरेंस बिजनेस मन दो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को रूरल एरियाज में भी एक्सटेंड करो एल की जो इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर देखो एल अपना मेजर पोर्शन सरकार की इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करती है ठीक है तो इन्होंने कहा कि सेवेंटी से उसको कम करके फिफ्टी करो जी की जो उसकी सब्सिडरीज में होल्डिंग है वो पांच परसेंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए प्रमोटर्स चालीस परसेंट से ज्यादा होल्डिंग नहीं होनी चाहिए नई इंश्योरेंस कंपनी में और छब्बीस परसेंट से कभी भी कम नहीं होनी चाहिए चालीस परसेंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एंड छब्बीस परसेंट से कम नहीं होनी चाहिए रेगुलेटरी एंड प्रूडेंशियल नॉर्म्स डिजाइन करें इंश्योरेंस के लिए पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस को अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ेगा एफिशिएंट बनने के लिए ऑफिस ऑफ कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस जिसको 1938 में स्टेब्लिश किया गया था उसको रिस्टोर किया जाए और उसको पूरे उसके पावर्स दिए जाए एल और जी को जो इंश्योरेंस एक्ट के काफी सारे एग्जाम्शन मिले हुए हैं वो हटाए जाए इनके ऊपर ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो जैसे सेबी एक रेगुलेटर है सिक्योरिटी मार्केट का वैसे इंश्योरेंस मार्केट का रेगुलेटर भी बनाया जाए स्टेट के जो कॉपरेटिव हैं उनको लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर एंटर करने को अलाउ किया जाए जीआईसी कंप्लीटली री इंश्योर बने ठीक है वो एज अ होल्डिंग कंपनी उसको आप धीरे धीरे उसका स्टेटस हटा दो जीआईसी की जो होल्डिंग है सब्सिडरीज में वो सरकार रिकमेंडेशन के बेसिस के ऊपर बहुत सारे चेंजेस आए जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए अगस्त 2000 में ओपन कर दिया गया और जैसे कि मल्होत्रा कमेटी ने बोला था सेबी की लाइंस के ऊपर इंश्योरेंस के लिए एक रेगुलेटर बनाया गया जिसको आप बोलते हो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आई आर डी ए ओके सो दिस अप्रेल द जनरल एवोल्यूशन जो इंश्योरेंस सेक्टर का इंडिया के अंदर हुआ एंड दिस वॉज द एजेंडा दैट वॉज टू बी डिस्कस टूडे ठीक है अब हम थोड़ा सा कोर इंश्योरेंस भी करना शुरू करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स बट साथ के साथ आपने कवर करते जाना है किसी भी चीज को ज्यादा लंबा लटकाए मत ठीक है पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में कोई भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे या मेल पे एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर एंड बाय